हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का बैंकिंग वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं शुभम आपका मैस मैंटोर एक बार फिर जुड़ चुके हैं हम लोग यहां पर और आज हम लोग जुड़े हैं आई बी SO का आपको पता है प्रोलिम्स का एग्जाम हो चुका है तो उसमें क्वांट सेक्शन में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो अगर हम क्वांट की बात करते हैं सबसे पहले तो क्वांट में अगर मैं सबसे पहले स्पीडी मैथ्स की बात करता हूं स्पीडी मैथ्स में हमें क्वांट में क्या क्या देखने को मिला ठीक है मैं तीन कैटेगरीज में बता देता हूं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर स्पीडी मैथ्स की ठीक है उसके बाद हम लोग यहां पर बात कर लेंगे डीआई सेक्शन की डीआई सेक्शन से क्या क्या देखने को मिला और यहां पर हम बात कर लेंगे अर्थमेटिक अर्थमेटिक से हमें क्या क्या देखने को मिला है ठीक है चल। तो अगर हम सबसे पहले स्पीडी मैथ्स की बात करते हैं तो स्पीडी मैथ्स में हमको दो सबसे पहले तो हमें देखने के लिए मिली जो कि हमारी बहुत ही इजी लेवल की थी देर आर फाइव क्वेश्चन एंड लेवल वॉज इजी इजी लेवल का देखने के लिए मिला ठीक है उसके बाद हमें मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिली मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिली और मिसिंग नंबर सीरीज के भी यहां पर आपको पांच क्वेश्चन देखने को मिले जो हमारे इजी लेवल के क्वेश्चन थे ठीक है और बहुत ही नॉर्मल से पैटर्न थे यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्वायर क्यूब के भी पैटर्न थे और मल्टीप्लिकेशन का भी था डिफरेंस से रिलेटेड भी पैटर्न देखने को मिले बहुत इजी था चाहे मैं क्वालिटी क्वेश्चन की बात करूँ चाहे मैं मिसिंग नंबर सीरीज की बात करूँ दोनों ही हमारे ये दस क्वेश्चन बिल्कुल ड्यूएबल क्वेश्चन थे बहुत आसानी से इन दस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते थे और राइट उसके बाद अगर हम डी के सेक्शन में चलते हैं तो डी में यहाँ पर एक तो हमें टेबल डी देखने को मिली टेबल डीआई देखने को मिली ठीक है टेबल डीआई देखने को मिली इसमें क्या था इसमें सॉन्ग्स से रिलेटेड डीआई हमें देखने को मिली जिसमें हमें टोटल सॉन्ग्स दिए थे और डुएट और सोलो का हमें डेटा गिवन था ठीक है कि फ्रैक्शन में ये कितना कितना है और राइट मतलब अगर मान लो कि ये एक हज़ार है तो बोल दिया गया था कि तीन बटे आठ इसमें है और पाँच बटे आठ इतने हैं ऐसा करके उसने कुछ हमें दिए थे डीआई में ठीक है दूसरी डीआई एक हमें देखने को मिली है ना डैट वॉज लाइन ग्राफ डी आई लाइन ग्राफ इसके हमें पांच क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि बहुत ईजी थे इजी लेवल के हमें देखने को मिले थे उसके बाद हमें लाइन ग्राफ की डी आई देखने को मिली पहली डी आई ये थी दूसरी डी आई हमारी लाइन ग्राफ की डी आई थी अगेन पांच क्वेश्चन थे और लेवल इसका बहुत ईजी था जो कि हमें लाइन ग्राफ में कुछ भी गिवन नहीं था भाई बुटेन और वुडन एंड प्लास्टिक चेयर का यहां पर डेटा हमको गिवन था ठीक है उसके बाद थर्ड डीआई हमें जो देखने को मिली डेट वॉज कैसलेट डीआई आई कैसलेट हमको देखने को मिली जहां पर कैसलेट डीआई के भी आपसे पांच क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो लेवल था ये डेफिनेटली आपको मॉडरेट लेवल के डीआई देखने को मिली ऑल राइट right. और अब हम आते हैं किसमें अर्थमेटिक के सेक्शन में कि अर्थमेटिक में हमको कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली देखने को यहाँ पर मिले तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए सा थे भाई एक क्वेश्चन तो मैं पार्टनरशिप का देखने को मिला उसके बाद पार्टनरशिप के बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला वो बोट एंड स्ट्रीम का था बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखने को मिला उसके बाद हमें एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी देखने को मिला ओवरऑल पूरी के पूरी मैथमेटिक्स में सारे ही टॉपिक्स से हमको क्वेश्चन देखने को मिले ठीक है उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है भाई ये एक शानदार चीज हमें देखने को मिली कि प्रोबेबिलिटी भी यहां पर एग्जाम में आई उसके बाद मेन्सुरेशन जो टॉपिक कुछ लोगों को खतरनाक जरूर लगता है लेकिन मैंसुरेशन से भी हमें दो क्वेश्चन देखने को यहां पर मिले उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिला ठीक है उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन देखने को मिला प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन देखने को मिला उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन को देखा इसका मेमोरी बेस्ड पेपर भी आप लोगों के पास जल्दी ही अपलोड कर देंगे ठीक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखने को मिला अच्छा उसके बाद हमको परसेंटेज का भी क्वेश्चन देखने को मिला परसेंटेज का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला एक एज का भी क्वेश्चन देखने को मिला ठीक है तो बेसिकली इतने क्वेश्चंस थे जो हमको यहाँ पर अभी तक मिल पाए हैं ठीक है और हम इसके लिए आपका मेमोरी बेस्ड का पेपर भी अपलोड कर देंगे ठीक है तो ऑलराइट आप यहाँ से देख पा रहे हो पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस पाँच पच्चीस और दस पैंतीस यानी थर्टी फाइव का ये हमारे पास अभी डेटा है एंड एक पाईचार्ट भी शायद सुनने में आया है कि पाईचार्ट भी आया बट मैं उसके लिए फुली कन्फर्म नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लिख नहीं रहा हूँ बट हाँ शायद चार्ट भी हमें देखने को मिला है तो आई होप आप लोगों ने समझ में आ गया होगा क्या क्या आया है और एक आइडिया लग गया होगा कि आई बी एस के एग्जाम में क्या आया है तो आप अगली शिफ्ट के लिए तैयार रहें ठीक है तो मेरी साइड से अभी इतना ही थैंक यू सो मच जय हिंद